Hello, my rising stars. This is Shikha Arora, your science teacher, and today we are going to start our class 6, chapter number 11, Air Around Us. Let's get started. In this chapter, children, we are going to study, is air present everywhere around us? The composition of air, maintenance of air, air in soil and water, and importance of air. See the warm-up first. Can you think of some uses of air? List any three. Yes, children, think of it. Air is essential for your breathing. Air is necessary for photosynthesis. You play with balloons. They are filled with air. Yes. So these can be, you can write any of the reshoot. Air is present everywhere around us. But are you able to see air? नहीं, हम एयर को नहीं देख सकते. एयर हमारे आसपास हर जगह है. हम सांस ले रहे हैं, हम सांस छोड़ रहे हैं, सब जगह से हम एयर को यूज कर रहे हैं. बट क्या हमें एयर दिखाई देती है? नहीं दिखाई देती. क्या हम एयर को टेस्ट कर सकते हैं? नो. क्या हमें उसकी स्मेल आ रही है? नहीं. तो एयर कैसी हुई? एयर तो ट्रांसपेरेंट हुई, एयर कलरलेस हुई. लेकिन एयर हमारे लिए बहुत जरूरी है. क्यों जरूरी है? एयर इज एसेंशियल फॉर ब्रीदिंग. आप सांस ले रहे हैं, आप ऑक्सीजन में ब्रीद आउट, ब्रीद इन कर रहे हैं, और आप क्या ब्रीद आउट करते हैं? यू ब्रीद आउट कार्बन डाइऑक्साइड. आप अपने नोज से कार्बन डाइऑक्साइड एक्सहेल आउट करते हैं, और इनहेल क्या करते हैं? यू इनहेल ऑक्सीजन. ये दोनों ही चीजें हमारी एयर में प्रेजेंट होती हैं. हम एयर का प्रेजेंस फील कर सकते हैं बाय द रसलिंग साउंड ऑफ द लीव्स. पानी के अंदर अगर आप कोई टम्बलर डालेंगे तो आपको कैसी आवाज आती है? आवाज आती है ना बबल्स के राइज अप होने की. तो दिस इज द साउंड ऑफ एयर. आप साउंड सुन सकते हैं. इज एयर प्रेजेंट एवरीवेयर अराउंड अस? यस, एयर इज प्रेजेंट एवरीवेयर अराउंड अस. हम सब के सब एयर से सराउंडेड हैं. अगर विंड चल रहा होता है तो यू कैन इजिली फील कि विंड किस डायरेक्शन से फ्लो कर आ रहा है. आपकी बॉडी पे वहां पे प्रेशर फील होता है, तो आपको पता चलता है कि दैट एयर इज एवरीवेयर अराउंड अस. इसके लिए लेट्स स्टार्ट एन एक्टिविटी. चिल्ड्रन, इस एक्टिविटी में हम क्या करेंगे? हम दो बाउल लेंगे और उनमें वाटर फिल करेंगे. अब हम एक एम्प्टी बॉटल लेंगे और उसको बिल्कुल वर्टिकली वाटर पे प्रेस करेंगे. क्या वाटर अंदर जाएगा? यस चिल्ड्रन, टेल मी. अच्छा, दूसरा केस देखेंगे. दूसरे केस में हम बॉटल को थोड़ा सा टिल्ट कर लेंगे. अब पानी के अंदर जाएगा? यस, पानी सेकंड केस के अंदर अंदर जाएगा, बट नॉट इन फर्स्ट केस. अब पहले केस में पानी अंदर क्यों नहीं गया? बिकॉज बॉटल एम्प्टी थी और बॉटल के अंदर क्या फिल्ड है? एयर. तो वो एयर वाटर के ऊपर प्रेशर लगा रही है, जिसकी वजह से पानी जो है वो अंदर मूव नहीं कर पा रहा. बट जब हमने बॉटल टिल्ट कर दी तो बॉटल के अंदर जितनी भी एयर थी वो बाहर एस्केप होने लग गई इन द फॉर्म ऑफ बबल्स. आपको बबल्स दिखते हैं ना, और क्योंकि जगह खाली होती गई इसलिए वहां पे वाटर फिल आउट होता गया. सो जब हम बॉटल को टिल्ट करते हैं तो वी कैन फील आउट दैट द एयर इज गिवन आउट इन द फॉर्म ऑफ बबल्स. सो हमें इससे क्या पता चला? हमें इस एक्टिविटी से पता चलता है कि एयर जो है स्पेस को ऑक्यूपाई करती है और हर जगह प्रेजेंट है. नाउ आर अर्थ इज आल्सो सराउंडेड बाय अ ब्लैंकेट ऑफ एयर. इसे हम बोलते हैं एटमॉस्फेयर. सो व्हाट इज एटमॉस्फेयर चिल्ड्रन? द एनवेलप ऑफ द एयर दैट सराउंड्स आवर अर्थ इज कॉल्ड एज एटमॉस्फेयर. द लेयर ऑफ एयर इज थिक नियर द ओशंस. और जैसे जैसे हम माउंटेन्स एरिया में जाते जाते हैं या हायर एल्टीट्यूड्स में जाते रहते हैं, वहां पर एयर जो है थिन होती जाती है. इसीलिए जब माउंटेनर्स ऊपर जाते हैं तो दे कैरी ऑक्सीजन सिलेंडर्स अलोंग विद देम. और ऐसे ही सी डाइवर्स को भी अपने साथ ऑक्सीजन सिलेंडर लेके जाना पड़ता है. क्यों? बिकॉज वाटर के अंदर ऑक्सीजन डिसॉल्व्ड है. ऐसी ऑक्सीजन आप यूज नहीं कर सकते हैं, इसीलिए अपना ऑक्सीजन सिलेंडर लेके जाना पड़ता है. 90% of the air is found up to a height of 30 centimeter above the surface of the earth. Now let us study about the composition of the air. Now you can see in this graph, children, air has 78% of nitrogen, 21% of oxygen and 1% of other gases. अभी अदर गैसेस कौन कौन सी हो सकती हैं? इट कैन बी कार्बन डाइऑक्साइड, इट कैन बी डस्ट पार्टिकल्स, योर नोबल गैसेस, ऑल दीज मेक अप द कॉम्पोजिशन ऑफ द एयर.
लेट्स स्टडी अबाउट नाइट्रोजन. सो नाइट्रोजन एक कैसी गैस है? नाइट्रोजन इज कलरलेस, ओडरलेस, टेस्टलेस गैस एंड इट टेक्स नियरली 3/4 ऑफ द स्पेस दैट एयर फिल्स. इतनी ज्यादा अमाउंट में नाइट्रोजन क्यों है? 78% नाइट्रोजन क्यों है? जबकि हमारे लिए तो नाइट्रोजन एसेंशियल नहीं है, हमारे लिए तो ऑक्सीजन एसेंशियल है. बट 78% नाइट्रोजन क्यों है फिर एटमॉस्फेयर में? किसी को आंसर पता है? यस, क्योंकि ऑक्सीजन एक सपोर्टर ऑफ कंबस्टन है बच्चों. अगर एटमॉस्फेयर में लाइटनिंग होगी तो उसकी वजह से इट कैन कैच फायर, पूरे एटमॉस्फेयर में आग लग सकती है. एंड नाइट्रोजन तो सपोर्ट ही नहीं करती कंबस्टन को. सो इसी वजह से और नाइट्रोजन इज प्रेजेंट 78% ताकि हमारे एटमॉस्फेयर में आग ना लग जाए. डन. देन ऑक्सीजन इज, यू ऑल नो ऑक्सीजन इज वेरी इंपॉर्टेंट फॉर यू ऑल फॉर द पर्पस ऑफ ब्रीदिंग. यू इनहेल ऑक्सीजन एंड यू गिव आउट कार्बन डाइऑक्साइड. सो ऑक्सीजन इज रिक्वायर्ड बाय प्लांट्स एंड एनिमल्स फॉर द पर्पस ऑफ रेस्पिरेशन. इट इज यूज्ड बाय, इट इज गिवन आउट बाय प्लांट्स एंड यूज्ड बाय एनिमल्स. ऑक्सीजन डज नॉट बर्न इटसेल्फ बट इट इज अ गुड सपोर्टर ऑफ कंबस्टन. जहां पर भी आग लगी होगी वो आग बढ़ेगी अगर वहां पे ऑक्सीजन की सप्लाई कंटिन्यूस रहेगी तो. सो ऑक्सीजन इज अ सपोर्टर ऑफ कंबस्टन. इसीलिए हमारे एटमॉस्फेयर में 78% नाइट्रोजन प्रेजेंट है ताकि थोड़े से भी स्पार्क से आग ना फैल जाए. एक्टिविटी टाइम चिल्ड्रन. टू शो दैट ऑक्सीजन इज नेसेसरी फॉर बर्निंग, इस केस में हम क्या करेंगे? हम दो कंटेनर्स लेंगे और उनमें वाटर फिल कर देंगे. Then we'll have a candle in both of them and we'll put a lid over it after burning the candles. अब क्योंकि इसके अंदर oxygen present है तो oxygen की वजह से it will support the combustion. So when the oxygen is being used up here, the level of water will rise. ये तब तक continue होगा जब तक कि container के अंदर oxygen present है. Then the candle will get extinguished out. Another gas is carbon dioxide. Now carbon dioxide is very important. It is present in 0.03% in atmosphere. अब इतनी कम quantity में है carbon dioxide, फिर इसका क्या use है? It is a very good gas for which act as fire extinguisher. It is used in fire extinguisher. Secondly, it is a very important component for the formation of food by the plants. By the process of photosynthesis, it is a raw material. Plants require carbon dioxide plus water. In the presence of sunlight and chlorophyll, plants prepare food in the form of glucose by the process called as photosynthesis. So for photosynthesis, this carbon dioxide is very important. Then we have water vapor. Air also contains water vapor. Now this water vapor is very essential for the maintenance of the water cycle. वाटर साइकिल भी तो ज़रूरी है. वाटर नीचे से इवेपोरेट होता है, ऊपर जाके क्लाउड्स बनते हैं, क्लाउड्स वापस से रेन करते हैं. तो रेन हमारे लिए इम्पॉर्टेंट है, हमारे फील्ड्स के लिए इम्पॉर्टेंट है. उसके बाद वापस से वाटर इवेपोरेट होता है. तो देयरफॉर एयर कंटेन्स वाटर वेपर विच हेल्प्स टू मेंटेन द वाटर साइकिल. अब कोस्टल एरियाज जो है वहाँ की जो एयर है इट विल हैव मोर अमाउंट ऑफ वाटर वेपर क्योंकि वहाँ पे तो सी प्रेजेंट है, वहाँ पे इवेपोरेशन हो रहा है एज कम्पेयर टू दैट ऑन द लैंड एरिया. सी द एक्टिविटी टू शो दैट एयर कंटेन्स डस्ट पार्टिकल्स. आप मॉर्निंग के टाइम में विंडो से अपने कर्टन्स हटाइए. वॉट विल यू सी? यू विल सी द सन बीम कमिंग आउट इन टू योर रूम. और सनबीम कैसे आती है? बिल्कुल स्ट्रेट लाइन में. And then you see the particles of dust rolling into it. आपको देख सकते हो ना, सब बच्चे देखते हैं. तो यही काम हम इस एक्टिविटी में करेंगे. For this activity, choose a room in which sunlight is coming from the window. Close all other doors and windows and draw the curtains to make the room dark. Cover the window through which sunlight is coming in with a black paper and leave a hole in the center. Sunbeam will enter the dark room through the hole. Look carefully at the beam of light coming in through the hole. आपको वहां पे क्या दिखेंगे? You will find tiny shiny particles moving in the beam of light. And what are they? They are the dust particles. And dust varies from place to place. जहां पर pollution level ज्यादा होगा वहां पे dust particles ज्यादा होंगे as compared to the area which is more greener. Now children, it is very important that you breathe through your nose and not through your mouth. अब ऐसा क्यों? हमें हमारी नाक से ही सांस क्यों लेनी चाहिए?
Because our nose has hairs in it. It has mucus in it. This traps the dust particles which are coming along with the inhaled air. So, जो आपकी बॉडी के अंदर जो ऑक्सीजन जाती है वो प्योर फॉर्म में जा पाती है. और वहीं अगर आप मुंह से सांस लेते हो तो these dust particles along with oxygen can move inside your body and can cause diseases in you. Maintenance of oxygen. Now, this oxygen gas is being used up. हम कितने सारे यहाँ पे प्लांट्स हैं, एनिमल्स हैं, एवरीबॉडी इज यूजिंग ऑक्सीजन. तो ये ऑक्सीजन तो खत्म हो जानी चाहिए. फिर ये ऑक्सीजन खत्म क्यों नहीं होती? बिकॉज देयर इज एन ऑक्सीजन साइकिल बीइंग ऑपरेटेड इन द नेचर. इस ऑक्सीजन साइकिल के अंदर क्या हो रहा है कि हम ऑक्सीजन कंज्यूम कर रहे हैं एंड वी आर गिविंग आउट कार्बन डाइऑक्साइड. अब प्लांट्स क्या करते हैं? प्लांट्स टेक कार्बन डाइऑक्साइड एंड दे रिलीज ऑक्सीजन बाय द प्रोसेस ऑफ फोटोसिंथेसिस. इस तरीके से हमारी ऑक्सीजन जो है वो रिप्लेनिश होती रहती है. प्लांट्स यूज ऑक्सीजन फॉर रेस्पिरेशन ड्यूरिंग डे एज वेल एज नाइट. लेकिन ड्यूरिंग डे वो क्या कर रहे हैं? वो ऑक्सीजन रिलीज कर रहे हैं बाय द प्रोसेस ऑफ फोटोसिंथेसिस. मोर ऑक्सीजन इज यूज इन रेस्पिरेशन. हमारे से हम लोग जितने भी एनिमल्स हैं दे आर यूजिंग ऑक्सीजन. लेकिन प्लांट्स क्या कर रहे हैं? प्लांट्स ऑक्सीजन रिलीज कर रहे हैं. कार्बन डाइऑक्साइड जो हम छोड़ते हैं उसे प्लांट्स लेते हैं एंड दे प्रिपेयर द फूड बाय द फोर्सेस ऑफ फोटोसिंथेसिस. एयर इन सॉइल एंड वाटर. अब आपको पता है एयर सॉइल में भी प्रेजेंट है, वाटर में भी प्रेजेंट है. अब सॉइल में भी बहुत सारे लिविंग ऑर्गेनिजम्स रहते हैं. सॉइल में हमारे प्लांट्स की रूट्स भी प्रेजेंट हैं. उनको भी तो चाहिए ऑक्सीजन फॉर द पर्पस ऑफ ब्रीदिंग. इसीलिए सॉइल में भी एयर प्रेजेंट होती है, वाटर में भी एयर प्रेजेंट होती है, ताकि वहाँ के जो एक्वाटिक एनिमल्स हैं, प्लांट्स हैं, दे कैन ऑल्सो परफॉर्म फोटोसिंथेसिस एज वेल एज रेस्पिरेशन. टू सी द प्रेजेंस ऑफ एयर इन सॉइल. अब इस एक्टिविटी में हम क्या करेंगे? इस एक्टिविटी में हम थोड़ा सा ड्राई सॉइल लेंगे एंड वील पुट इट इन टू वाटर. जब आप उसको वाटर में डालोगे तो यू विल सी दैट बबल्स कमिंग आउट. सो दिस बबल्स शो दैट देयर वॉज एयर प्रेजेंट इन द सॉइल. A lump of cotton wool shrinks when put in water. अब ऐसा क्यों होता है? वो श्रिंक क्यों हो जाता है? क्योंकि उसके अंदर जितनी एयर होती है वो पानी में आ जाती है. Because it contains a lot of air in large spaces between its fiber, which get exhaled by the water, resulting in its shrinkage. Activity time. इस activity में हम show करेंगे that water also contains air. Now, for this activity, you will require a beaker. आप एक beaker लेंगे, you'll add water into it, and then you'll heat it with the help of a Bunsen burner. तो जब हम water को heat करते हैं, we find that bubbles come on the surface of water. ये bubbles हमें क्या बताते हैं? ये bubbles हमें बताते हैं कि पानी के अंदर air dissolved थी, जो कि bubbles की form में अब बाहर निकल रही है. So, what is the importance of air? Children, we have already discussed that air is very important for us to breathe. हमारी breathing के लिए ज़रूरी है, photosynthesis के लिए ज़रूरी है. Plants खाना तभी बना सकते हैं जब उनके पास carbon dioxide होगी, otherwise वो खाना नहीं बना पाएंगे. अगर photosynthesis नहीं होगा तो life will not be possible on this earth. Then, it is also necessary for burning fuel. You already know that oxygen is a supporter of combustion. जहाँ पर भी ऑक्सीजन होगी वहाँ पे बर्निंग होती ही रहेगी, वहाँ पे कंबस्टन कंटिन्यू रहेगा. सो एयर इज नेसेसरी फॉर बर्निंग ऑफ फ्यूल. एयर हेल्प्स इन डिस्पर्सल ऑफ सीड. नाउ देयर आर मेनी प्लांट्स इन विच द सीड्स आर डिस्पर्स्ड बाय विंड, लाइक विंड पॉलिनेटेड फ्लावर्स आर देयर. सो फॉर देम एयर इज एसेंशियल. Then we have blowing air is used to turn the blades of windmills. Windmills के blades भी तभी घूमते हैं जब वहाँ पर air हो, जब वहाँ पर wind हो. और यही use होते हैं to draw water from tube wells, for moving the flour mills and to generate electricity. Air helps in the movement of yachts, parachutes and balloons. जो balloon है, balloon भी जो rise कर रहा है, it is because of the air which get filled into it. बर्ड्स, इंसेक्ट्स, बैट्स, इन सबको भी फ्लाई करने के लिए एयर की ही ज़रूरत होती है. एयर प्लेज एन इम्पॉर्टेंट रोल टू मेंटेन ऑक्सीजन साइकिल, टू मेंटेन वाटर साइकिल इन द नेचर. सो लेट्स मेमोराइज एयर. एयर इज अ मिक्सचर ऑफ गैसेस, मेनली कौन कौन सी? नाइट्रोजन एंड ऑक्सीजन. एटमॉस्फेयर, द
The envelope of gases surrounding the earth. Ozone, a gas present in the form of a layer in the upper atmosphere that prevents the sun's harmful ultraviolet radiations from reaching the earth. तो ओजोन एक ऐसी लेयर है जो अर्थ के स्ट्रेटोस्फेयर लेयर में प्रेजेंट है. वहां पर क्या करती है ये, इट प्रिवेंट्स द हार्मफुल अल्ट्रावायलेट रेडिएशन टू रीच द अर्थ. लेट अस रिकॉल, एयर इज ट्रांसपेरेंट एंड कलरलेस. एयर इज प्रेजेंट एवरीवेयर अराउंड अस. द ब्लैंकेट ऑफ एयर सराउंडिंग द अर्थ इज कॉल्ड द एटमॉस्फेयर. एयर कंटेन्स नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, आर्गन, कार्बन डाइऑक्साइड, डस्ट, स्मोक एंड वाटर वेपर. नाइट्रोजन इज रिक्वायर्ड बाय द प्लांट्स फॉर देयर ग्रोथ. ऑक्सीजन इज द लाइफ गिविंग गैस, इज नीडेड बाय ऑल लिविंग थिंग्स एंड हेल्प इन बर्निंग ऑफ फ्यूल. कार्बन डाइऑक्साइड इज इंपॉर्टेंट एज प्लांट्स यूज इट टू मेक फूड फॉर द एंटायर लिविंग वर्ल्ड. प्लांट्स एंड एनिमल्स हेल्प इन मेंटेनिंग द बैलेंस ऑफ ऑक्सीजन एंड कार्बन डाइऑक्साइड gas in air. Animals living in soil get oxygen for respiration from the air present between the soil particles. Animals living in water use the air dissolved in water for respiration. Air is useful to us in many ways. Now children, it's question time. In the first question, you have to darken the correct option in the OMR sheet. Now you are given a OMR sheet here children, and with the help of a black or a blue ball pen only, you have to just darken the circle. You will not put a tick or a cross in any of the circles. You will just completely dark that circle. Let's see the first question. Most abundant gas in Earth's atmosphere. Yes, it is nitrogen. So the answer is C. For first, you will circle the C one. So you will dark this C portion. Question number two. The presence of which component in air varies from place to place? Now it can be water vapor also. So the answer is D. For two, you will circle the D one. Third, air is used for pollination, rotating the blades, burning fuel. So the answer is D. So for three, you will circle this D one. Aquatic organisms obtain their oxygen from, now these aquatic organisms are one which live in water, so they'll get the from water. So for four, you will circle the B one. Which of the following gas neither burns nor supports combustion? Now it is nitrogen as well as carbon dioxide. So your answer is D. For fifth, you will circle this D one. Air contains dust also, water vapor also, and smoke also. So the answer will be D one. Fill in the blanks. Dash gas extinguishes a burning fire. Yes, it is carbon dioxide. Plant use oxygen for dash during day as well as at night. So it is, yes children, they use oxygen. Nitrogen is a colorless, odorless and tasteless gas. 99% of the air consists of two gases. They are nitrogen and oxygen. Soil contains some air and some water. Air helps in the movement of, yes children, air helps in the movement of leaves as well as windmills. Say T for true and F for false against each statement. Plants constantly refill the oxygen gas into the air by the process of photosynthesis. Yes children, the answer is correct. So you will write a true here. We should breathe in air from our mouth. No, you should breathe through your nose. So the answer is false. The main source of smoke is construction activities. No, it is burning. So the answer is false again. Carbon dioxide is a supporter of burning. No. So answer is false. The amount of dust particle in air varies from time to time. Yes. So it's true. Very short answer type questions, children. See, name the gas produced by plants during respiration. Now, what they produce during respiration? Gas produced by plants during respiration is again carbon dioxide. Does the density of the blanket of air that surrounds us get thicker or thinner as we go up? As you go up the mountains, as you go up higher in the altitude,
द एयर गेट्स थिनर. फ्रॉम वेयर सॉइल ऑर्गेनिजम्स गेट ऑक्सीजन फॉर रेस्पिरेशन, अगेन फ्रॉम द एयर स्पेसिस विच आर प्रेजेंट इन द सॉइल. नेम टू मेजर गैसेज ऑफ एयर, दे आर यस नाइट्रोजन एंड ऑक्सीजन. वॉट डू यू मीन बाय एटमोसफेयर? द एनवलप ऑफ द गैसेज दैट सराउंड द अर्थ इज कॉल्ड एज एटमोसफेयर. कार्बन डाइऑक्साइड इज प्रेजेंट टू एन एक्सटेंट ऑफ ओनली 0.03% बाय वॉल्यूम इन एयर. देन वाई इट इज कंसिडर्ड टू बी इम्पॉर्टेंट? येस, इट इज वेरी इंपॉर्टेंट फॉर द पर्पज ऑफ फोटोसिंथेसिस. प्लांट्स हैव टू प्रिपेयर फूड, सो दे कैन प्रिपेयर फूड ओनली बाय फोटोसिंथेसिस एंड इट विल बी डन ओनली वेन दे हैव कार्बन डाइऑक्साइड. With this, we have come to the end of this chapter. Hope you have understood this chapter. Thank you.